व्यवहित पृतनाम मुखम निरीक्ष। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रहे तो पर पक्ष की जो सेना थी उनके विषय में कहते हैं व्यवहित, बोले व्यवस्थित रूप से खड़ी थी। पृतना माने सेना। दुष्ट दुर्योधन की सेना बड़ी व्यवस्थित रूप से खड़ी थी, युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके थे। और उसी समय ही स्वजन वधात, उसी समय अपने ही स्वजन, अपने ही परिवार वालों को मारना ये बहुत बड़ा दोष है, यह समझकर अर्जुन उस रणभूमि को छोड़कर भाग जाना चाहता था। भक्तों, गुह्य बात तो यह है कि अर्जुन के हृदय में कभी मोह हो नहीं सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अर्जुन भगवान के नित्य धाम के नित्य पार्षद हैं, और नित्य धाम के नित्य पार्षद में ऐसा शरीर का मोह ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन क्या करे, कृष्ण को अर्जुन का माध्यम बनाकर जगत को गीता का ज्ञान देना था। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन को माध्यम बनाए। जैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं, परंतु गाय तब तक दूध नहीं दे सकती जब तक गाय के पास हम बछड़े को लेकर नहीं जाएंगे। जब गाय के पास बछड़ा जाता है, गाय को वात्सल्य भाव उमड़ता है, तब वह अपना सारा दूध थन में छोड़ देती है। गाय का बछड़ा उस दूध को पीता है, थोड़ा सा पीने देते हैं, उसे घसीट कर दूर कर देते और हम लोग पात्र भर लेते हैं। कितने बुद्धिमान है। तो यद्यपि गाय का दूध हमारे लिए है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए बछड़ा जो है वह माध्यम है। वैसे गीता का ज्ञान इस संसार के समस्त मानव समुदाय के लिए अर्जुन तो मात्र बछड़े की तरह माध्यम है। अर्जुन को माध्यम बनाया, और वास्तव में अर्जुन को कोई मोह माया उत्पन्न नहीं हुई थी। अर्जुन के अंदर कृष्ण ने मोह माया ममता उत्पन्न कराई। अर्जुन तो बस देखना चाहता था कितने लोग खड़े हैं, पहले किसी की विकेट गिरानी है, पहले किसको मारना है, फिर किसको मारूं, बस ये तो बस देखने आया था टारगेट क्या है मेरा। और बस अर्जुन तो सुसज्जित था, हाथ में गांडीव धनुष सब, हाथ में युद्ध करने की देरी थी। लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या, बोले देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे दादा पितामह खड़े थे। क्या अर्जुन को दिख नहीं रहा था, उसको चश्मा नहीं था, सब दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को मोह उत्पन्न कराए थे। अर्जुन वो दादा, बोले दादा, हाँ दादा, जो तुम्हें अपने गोद में खिलाते थे पिलाते थे, तुम्हारे अपने दादा को मारना है। कृष्ण, मुझे अपने दादा को मारना है। उसके बाजू में देखो अर्जुन, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य। बोले द्रोणाचार्य, अर्जुन जिसने तुमको धनुष विद्या सिखाई। बोले मुझे धनुष विद्या सिखाने वाले गुरु को मारना है। अर्जुन तो बेचारा युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन अब कृष्ण की लीला को कृष्ण ही समझे है? जानबूझकर अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न कराया, और इतना मोह उत्पन्न कराया अर्जुन ने यहां तक कह दिया कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरुन अथवा ही महानुभावान स्वयं भोक्तुम बैक्ष्मी अपी हलोके अत्वार्थ कामास्तु गुरु निहै व भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अनेकों श्लोकों में अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत किए, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, जिन लोगों के लिए मैं राज्य को प्राप्त करूंगा, वह लोग ही मर जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा किसे। आज इस संसार में हम लोग धन संपत्ति कमाते हैं हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, अब समाज ही नहीं बचा तो धन संपत्ति का करेंगे क्या। तो कृष्ण, मैं हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर मेरा जीवन बिता लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में अर्जुन बैठ गए। तब उस समय
अर्जुन की इस कुमति को हरने के लिए, अर्जुन के अज्ञान को हरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मविद्या का ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। 45 मिनट 700 श्लोक की भगवत गीता, कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट का ज्ञान दिया। जो अर्जुन पसीना छूट गया था, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, गीता सुनकर अर्जुन खड़ा हो गया, कृष्ण बताइए पहले किसको उड़ाना है, क्योंकि अब मैं मोह से मुक्त हो गया। ऐसी सुंदर आत्मविद्या गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया। और बड़े बड़े संतों ने इस गीता के विषय में कहा है, भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया मानव समाज के लिए बहुत बड़ा उपहार है। युग युग तक जो लोग इस गीता को पढ़ेंगे वे अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे। कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या, इस संसार में सभी मनुष्य का कर्तव्य है गीता को पढ़े, क्योंकि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम हमारे शरीर को साफ करने के लिए रोज पानी में स्नान करते हैं, है ना, रोज पानी से स्नान करते हैं, इससे मात्र हमारा शरीर ही शुद्ध होता है। लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए, मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करने के लिए आज तक कोई साबुन नहीं बना। तो कहते हैं जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए रोज पानी में स्नान करते हैं, वैसे यदि मन बुद्धि और आत्मा को, हृदय को शुद्ध करना है तो भगवद गीता रूपी गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, जिससे हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है। और गीता की महिमा कितनी बताए, क्या बताए, भक्तों इतना ही समझो हमारे देश में गंगा की कितनी महिमा है, है? तीनों लोक को पवित्र करते चलती है, ब्रह्म लोक से शिवजी की जटा, शिवजी की जटा से गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार और गंगा सागर तक करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र कर देती है। जितने लोग गंगा में स्नान करते हैं सारा पाप से मुक्त हो जाते हैं और पवित्र बन जाते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि गंगा के अंदर करोड़ों करोड़ों जीवों को पाप से मुक्त करने की और पवित्र करने की शक्ति कहां से आई, गंगा जल को आप उठाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ तो उसमें H2O ही निकलेगा, हाइड्रोजन का दो भाग ऑक्सीजन का एक भाग है? फिर भी वह गंगा करोड़ों करोड़ों लोगों को पवित्र कर रही है, त्रिभुवन को वह पावन बना रही है। कारण क्या है, क्योंकि वह गंगा यद्यपि वह साधारण जल है लेकिन वह जल भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श होकर निकला तो उनमें करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। अब विचार कीजिए कि भगवान के चरणों से, जिन भगवान के चरणों से स्पर्श होकर गंगा निकली और उसमें स्नान करके करोड़ों करोड़ों जीव पवित्र हो जाते हैं, तो यह भगवद गीता तो साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई है। जिनके चरणों से निकली हुई गंगा में करोड़ों जीव पवित्र होते हैं, तो जिनके मुख से भगवद गीता निकली है उस गीता रूपी जल में यदि कोई स्नान कर दे तो कोई संशय नहीं है वह व्यक्ति पवित्र हुए बिना रहे। अतः पितामह भीष्म कहते हैं धन्य है कृष्ण जिन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए भगवद गीता का ज्ञान दे दिया। अब पितामह भीष्म को घृणा हो रही है, उस दिन की याद आ रही है जिस दिन पितामह भीष्म अर्जुन का वध करने के लिए सैकड़ों बाण की बौछार किए और उस समय अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कृष्ण की भक्त वत्सलता को प्रस्तुत करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं बोले धन्य है कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे अपनी ओर कभी भी नहीं देखते हैं। यहां तक मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपनी विश्व विख्यात प्रतिज्ञा तोड़ दी, जो सदैव अपने भक्तों के प्रति करुणामय रहते हैं, हैं
जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रख लिया, ऐसे कृष्ण के चरणों में स्तुति कर रहा हूं। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम वाप्लुतो रथस्थ कृतरथ चरणो व्यया चलतु हरिरिवहन्तु विमं गतो तरीय भगवान श्री कृष्ण की विश्वविख्यात प्रतिज्ञा थी कि वह महाभारत के युद्ध में कभी भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। भक्तों, प्रसंग कुछ इस प्रकार का बना, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तब कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन को भेजा गया कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। जिस समय दुर्योधन द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उस समय कृष्ण शयन कर रहे थे। तब दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण सो रहे हैं, कुछ देर में राह देखता हूं। लेकिन दुर्योधन कृष्ण के मस्तक के पास जाकर बैठा। कुछ लोगों को यह भी बुद्धि नहीं होती है कहां बैठना चाहिए, है? कृष्ण सो रहे थे तो मस्तक के पास जाकर बैठा। आधे एक घंटे के बाद अर्जुन आए, देखा कृष्ण सो रहे हैं तो अर्जुन कृष्ण के चरणों के पास बैठे। दोनों कृष्ण के जागने की राह देख रहे थे। कृष्ण की जब आंखें खुली तो उनकी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पहले गई, है ना? जब हम सोते हैं आंखें खुलती हैं तो ऐसे तो नहीं देखते ना, सीधे देखते हैं, है? तो कृष्ण की दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई। कृष्ण ने अर्जुन को गले मिलाया, अर्जुन सखा आप आए। पीछे से दुर्योधन बोला, मैं भी आया हूं और इसके पहले आया हूं। तो आया है तो सामने बैठना, पीछे क्यों बैठा है? बोले दुर्योधन आप भी आया हो, दुर्योधन से भी गले मिले। दोनों का यथाउचित स्वागत किया और कृष्ण ने पूछा, बताओ आप दोनों आज यहां पर आए, आने का कारण? तब अर्जुन ने कहा कि हमारा युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है, अब कृष्ण हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कृष्ण ने कहा, देखो ये युद्ध हमारे अपने ही संबंधियों में है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब क्योंकि आप दोनों आए हो इसलिए आप चुन लो, एक और मेरी नारायणी सेना जिसमें लाखों सैनिक हैं और मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी, और एक और मैं निहत्ता, एक और मैं रहूंगा, क्योंकि मेरे ही संबंधियों में युद्ध है इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि उस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब अर्जुन तुम चुन लो, तुम्हें मेरी नारायणी सेना चाहिए या तुम्हें मेरा सहारा चाहिए? देखो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बस बैठा रहूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, दो ऑप्शन दिए। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण पहले मैं आया था, मैं पहले मांगूंगा, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता था मुझे नारायणी सेना मिल जाए। तब कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात बताई, महाभारत में इसका वर्णन है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन भले तुम पहले आए थे लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अर्जुन को पहले देखा, और जिसको मैंने पहले देखा उसकी इच्छा मैं पहले पूरी करूंगा। इससे मानव समाज के लिए कितना बड़ा उपदेश मिल गया। आज के कुछ लोग कहते हैं, ये भक्त लोग मंगला आरती में क्यों जाते होंगे, है? रोज सुबह अपनी नींद को बिगाड़ कर, है? जैसे ही सुबह होती है वैसे सोने का आनंद और बढ़ जाता है, और उस सोने के सामने यदि सोना दे दिया जाए तो उस सोने को ठुकरा कर हम सोते रहते हैं।
इतना सोते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मंगला आरती में इतना जाने की क्या जरूरत है, परंतु भागवत का यह सिद्धांत भक्तों, भगवान रात को शयन करते हैं और रोज सुबह उठकर जब भगवान का दर्शन खुलता है और कृष्ण की दृष्टि जिसके ऊपर पहले जाती है उसकी पहले इच्छा पूरी हो जाती है। अर्जुन के ऊपर प्रथम दृष्टि गई, अर्जुन की पहले इच्छा पूरी हुई, बाद में दुर्योधन की। और जो मंगला आरती में भगवान के पट खुलते ही पहले खड़ा रहेगा, पहले इच्छा पूरी होगी। और हम लोग तो 12-12 बजे, 1-1 बजे वेटिंग आरएसी और वेटिंग में नाम होगा हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। भक्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त भगवान के द्वारा एक बहुत बड़ा उपहार है। सुबह भोर में जग जाना, शास्त्र में लिखा है ये भजन भक्ति के जो कार्य है प्रातर हुत हुताग नहीं है, ये प्रातः काल में करने के योग्य है। ये भागवत भी ये सुबह होनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, जमाने के साथ चलना पड़ता है। ये कार्य सुबह का है, भगवान के नाम का जाप करते हैं सुबह करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जग कर हमें भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, तुरंत भगवान मिल जाते हैं। मैंने एक बार किसी जगह पर कहा, देखो आज भी हम भगवान से बात कर सकते हैं, आज भी हमारा सुख दुख बांट सकते हैं, भगवान से पूछ भी सकते हैं कौन सा शेर का भाव बढ़ेगा तो आप जल्दी मुझे बता दो तो वो शेर खरीद लेता हूं। आज भी हम भगवान से बात कर सकते हैं, तो किसी ने कहा प्रभु मोबाइल नंबर दे दो उनका, हम कर लेंगे। बोले आपको यदि यहां पर लोकल बात करनी है तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 आंकड़े का मोबाइल नंबर। यदि आपको एसटीडी करना है तो 10 और लगाना पड़ता है आगे, 11 डिजिट हो जाती है। यदि आपको आईएचडी लगाना है तो 20 और बढ़ाना पड़ता है, 12 डिजिट हो जाती है। लेकिन भगवान तो आईएचडी नहीं ना, भगवान तो बहुत दूर है, वैकुंठ। इसलिए भगवान को जो बुलाने का नंबर है वो 16 डिजिट का है, 16 आंकड़े का। बस उसको डायल करो और सीधा बात शुरू। नंबर क्या है 16 आंकड़े का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दिन कुछ लोग आए मेरे पास, बहुत डायल किया लेकिन लगा ही नहीं प्रभु जी, हम तो ये बहुत डायल किए लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। तब मैंने कहा देखो ये लाइन है ना, दोपहर को बहुत बिजी रहती है, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग हैं होते हैं जो दोपहर को, शाम को, रात को भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह बहुत कम लोग जगते हैं, इसलिए सुबह सुबह ये लाइन बिल्कुल खाली होती। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर यदि ये नंबर डायल करोगे सीधा कनेक्शन हो जाएगा, सीधी बात कर पाओगे। लेकिन इसके लिए हमारी निद्रा को वश में करना चाहिए, है ना? श्री चैतन्य महाप्रभु आए इस जगत में इसीलिए, जगाने के लिए। जीव जागो गोरा चांद बो ओले, कत निद्रा जावो माया तुषा चीर को। जागो कत निद्रा जाओ माया पीछा चीर को। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे जीव जागो, कब तक सोगे, कब तक सोगे। हम लोग तो सोने में आनंद लिया करते हैं, बहुत सुंदर नरम तकिए के ऊपर मस्तक रखकर सोते थे, अद्भुत आनंद। और उसमें भी कभी कभी पत्नी की गोद में मस्तक रखकर सोते हैं, आहा। और उसमें भी पत्नी कभी कभी गोद में पत्नी की गोद में मस्तक रखा है और पत्नी हाथ सहला रही है, आहा। कहां से नींद उड़ेगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
पत्नी की गोद में मस्तक रखकर सोए हैं, बालों में मस्तक में हाथ घुमा रही हैं, आनंद आ रहा है, सोते रहते हैं, लेकिन अचानक आंख खुल जाए और पता चले अरे ये पति नहीं है तो चुड़ैल है, क्या होगा? सो पाएंगे? कहते हैं कत निद्रा जाओ माया पिशाची रख कोले, पिशाची माने चुड़ैल। कब तक चुड़ैल के मस्तक में चुड़ैल की गोद में मस्तक रखकर सोओगे? क्योंकि जितने समय तक हम लोग सोते हैं उतने समय तक हमारा समय बर्बाद हो जाता है। कत निद्रा जाओ रे माया पिशाची रखो ले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखो। हम लोग बाल में तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, शिखा रखते हैं और अपने आप को भक्त मानते हैं। आप कौन? हम भक्त हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, पूछिए अपने आप को क्या हम भक्त हैं, पूछिए क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं। जिस भगवान से हम प्रेम करते हैं वह भगवान रोज सुबह 3:30 बजे जग जाते हैं और 4:30 बजे तो जगत को दर्शन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ऐसे भगवान खड़े हैं और हम लोग अभी भी बिस्तर खींचते रहते हैं, हैं? खींचते रहते हैं। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगनाना चाहिए और भगवान का ध्यान, भगवान का नाम लेना चाहिए। वो संत कहते हैं उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करण की रीत नहीं, क्या ये भगवान का प्रेम है? यह प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर बोर भयो, अब रे न कहा तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर बोर भयो अब रे न कहा तू सोवत। इसलिए जल्दी जग जाना चाहिए है? जल्दी जगने से हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगता है और भगवान हमारी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन चुन लो, तुम्हें मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं? अर्जुन ने कहा कृष्ण आपकी नारायणी सेना नहीं, मुझे तो आप चाहिए। तो जिस प्रकार का समय अर्जुन के जीवन में आया ऐसे मोड़ हमारे जीवन में अनेकों बार आएंगे। जिस समय हमको चुनाव करना होगा कि संसार की कोई वस्तु चाहिए या भगवान चाहिए, अर्जुन ने नारायणी सेना को ठुकराकर साक्षात नारायण को मांग लिया। कृष्ण ने कहा अर्जुन अभी भी मैं तुमको मौका देता हूं, अपना निर्णय बदल सकते हो, क्योंकि मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल बैठा रहूंगा।
तब अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मुझे आपसे कुछ नहीं करवाना है, बस कृष्ण आप मेरे साथ रथ पर बैठे रहना, यदि आप मेरे साथ हो तो महाभारत के युद्ध में समस्त योद्धा को जैसे बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है रौंद डालूंगा, और इतना ही नहीं केशव यदि आप मेरे साथ हो तो साक्षात महादेव को भी रणभूमि में पछाड़ देने की शक्ति रखता हूं यदि आप मेरे साथ हो। तो इस प्रकार अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था, अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन तो नाचने लगा, उसे तो वही चाहिए था। यदि दुर्योधन को पहले मांगने के लिए कहा होता तो वो नारायणी सेना ही मांगता। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया और इस प्रकार युद्ध प्रारंभ। कृष्ण की प्रतिज्ञा, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और भक्तों युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत के युद्ध के 8 दिन बीत गए, 8 दिन तक उस युद्ध में कोई नहीं भरा। 8वें दिन की रात को पितामह भीष्म की शिविर में दुर्योधन गया और दुर्योधन पितामह भीष्म को ललकारने लगा, पितामह आप यदि चाहते तो पहले दिन में ही पांडवों को मार सकते थे, पितामह आप युद्ध नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, हमने आपको सेनापति बनाया, आप मेरे पक्ष में हो और अर्जुन की ओर से लड़ रहे हो, पितामह आप मेरे अन्न पर पले बड़े हो और अर्जुन का पक्ष ले रहे हो, पितामह आप नमक हरामी कर रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, आप नमक हरामी कर रहे हो। इतना सुनकर पितामह भीष्म ने कह दिया, बस युवराज अब एक शब्द भी आगे मत बोलना, यदि तुम्हें ऐसा है तो आज यह भीष्म प्रतिज्ञा लेता है कि कल 9वें दिन के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार डालूंगा, या तो पांडव नहीं या तो भीष्म नहीं। यह पितामह भीष्म की दिव्य प्रतिज्ञा थी। और भेज देना तेरी पत्नी को, सुबह आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, दुर्योधन चला गया अपनी शिविर में। लेकिन ये प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने जो रात को ली, 8वें दिन की रात को, भगवान श्री कृष्ण जान लिए। वेदाहम समति तानि वर्तमानानि अर्जुन, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले कृष्ण को पता चला कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। रात को 2 बजे कृष्ण पांडवों की शिविर में आए, युधिष्ठिर महाराज को जगाए, युधिष्ठिर जागो, अर्जुन जागो, नकुल, सहदेव, भीम जागो, ये 5ों पांडव जगे। बोले क्या हुआ केशव, कृष्ण क्या हुआ, हमें जगा रहे हो? बोले वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है कि कल के दिन में के युद्ध में 5 में से 1 मरेगा, तुम लोग कल मरने वाले हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मरने वाले तो मरने वाले, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बोले मरने का भाई नहीं, बोले कोई भाई नहीं, हमें क्या चिंता है। बोले कृष्ण देखो हमारी नींद खराब मत करो, हमें सोने दो। बोले तुम लोग मरने वाले, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, मार डालेंगे 5 में से 1 को, चलेगा? 5ों पांडव सो गए और सोते सोते कहते गए कि देखो कृष्ण, ब्रह्मा जी की बनाई हुई इतनी बड़ी सृष्टि में से 1, 2 या 5 मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोते सोते अपना चद्र ढकते हुए कह दिए, लेकिन कृष्ण यदि कल के दिन के युद्ध में हम 5 में से 1 भी मरे ना, तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा कृष्ण के भगत थे मारे गए, पेपर में आ जाएगा कि कृष्ण के भक्त थे मारे गए, कृष्ण के भक्त की रक्षा कभी नहीं होती है। कृष्ण यदि तुमको तुम्हारा नाम बचाना है तो हमारी रक्षा करना, बाकी हम जिए हमारे क्या फर्क पड़ता है। सर पर मौत मंडरा रही है लेकिन पांडव बिल्कुल निश्चिंत है। आज रात को आप में से किसी को कह दिया जाए कि कल सुबह तुम मरने वाले हो, कोई सो पाएगा? पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी, कोई साधारण व्यक्ति की नहीं। आज रात को यदि किसी को कहा जाए कि आप कल सुबह मरने वाले हो, नींद आएगी, भोजन अच्छा लगेगा, लेकिन पांडवों को कोई चिंता नहीं और हम लोग रात दिन चिंता में ग्रस्त हैं। कारण
सर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन फिर भी पांडवों को चिंता नहीं। इसका कारण, पांडवों ने अपने जीवन का भार कृष्ण के चरणों में सौंप दिया था। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। पांडवों ने सारा भार कृष्ण के चरणों में। इसलिए पांडवों के जीवन में अनेकों दुर्घटना, अनेकों कठिनाई, लेकिन फिर भी चिंता नहीं थी। और हम लोग के जीवन में रात दिन चिंता, रात दिन। आप मनुष्य को देखिए, बेचारा चिंता के मारे मारे गल जाता है। और हम लोग तो हवा पीते हैं फिर भी वजन बढ़ जाता है, कोई चिंता नहीं। रात दिन चिंता, मेरा क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, है? चिंता का कारण यही है कि हमारे हृदय में अभिमान है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी ऑफिस, मेरा काम, मेरा धंधा। हम लोग जब पढ़ते थे तीसरी कक्षा में, एक कहावत आती थी, हूं करूं एज अज्ञानता, शकट नो भार जेम श्वान ताणे। हमारे गुजरात की तो प्रसिद्ध कहावत है, एक बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा वजन और बहुत सारा सामान लदा हुआ है, दो बैल उस गाड़ी को खींच कर जा रहे हैं और उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में एक कुत्ता चल रहा है। सारा वजन, सारा भार बैलगाड़ी के ऊपर और उस बैल के ऊपर, लेकिन नीचे कुत्ता चल रहा है, तो चलते चलते सोचता है ये सारा वजन मैं ही उठा रहा हूं। अब वो कुत्ते जैसी हालत हम लोग की है। वैसे भी ये दुनिया तो भगवान चला रहे हैं, सब कुछ भगवान करा रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। हूं करूं एज अज्ञानता। गीता में भी कृष्ण ने यह सिद्धांत कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुद्धात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इस संसार में जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि ये मैं करता हूं, मैं कराने वाला हूं, जो अपने आप को कर्ता मानता है, वो सबसे बड़ा अहंकारी है और सबसे बड़ा मूढ़ है, मूर्ख है। कृष्ण ने गाली दे दिया उसे, क्योंकि इस संसार में हम लोग हमारी शक्ति से कुछ नहीं करते हैं। ये जो इंद्रिया है, इंद्रियों से कुछ करते हैं, इंद्रिया देने वाले भगवान। कुछ लोग कहते हैं हम लोग हमारी बुद्धि से कमाते हैं, तो बुद्धि देने वाले भगवान तो बैठे हैं, अंदर से फ्यूज बंद कर देंगे तब पता चलेगा। चौराहे के पागल बनकर घूमेंगे तब। ये बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ देने वाले कृष्ण, सब कुछ कराने वाले कृष्ण, लेकिन हमको अभिमान है, मैं कर रहा हूं। और जब तक ये अभिमान होगा तब तक जीवन की चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, इस संसार में ये छोटे छोटे बच्चे यहां पर घूमते थे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये बच्चे की जो उम्र है ना, बहुत अच्छी है। भगवान यदि आशीर्वाद दे तो मांगना में बच्चा ही रहूं। कोई मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, आसक्ति, मोह, माया, ममता कुछ नहीं। और बच्चा यदि भोजन करना न चाहे, खाना नहीं चाहे, तो माता पिता जबरदस्ती खिलाएंगे उसको। खाने पीने की चिंता नहीं, कपड़े पहनने की चिंता। बच्चे को, बालक को यदि वस्त्र नहीं पहनने हैं तो माता पिता जबरदस्ती पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि वह बच्चा न तो काम धंधा बिजनेस कुछ नहीं करता है, बस उसने एक काम किया, वह अपने माता पिता को आश्रित है ना। जब संसार का कोई बालक एक साधारण माता पिता को आश्रित हो जाता है तो अपनी चिंता से मुक्त बन जाता है। तो हम हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण को आश्रित हो जाएंगे तो चिंता से मुक्त क्यों नहीं हो पाएंगे, अवश्य हो जाएंगे। ये जो पांडव थे कृष्ण को आश्रित थे। अब पांडव तो सो गए, लेकिन रात भर कृष्ण जागते रहे कि ये मरेंगे तो मेरा नाम डुबा कर जाएंगे, क्या करूं। पितामह भीष्म भी देखिए, कृष्ण कितनी असमंजस परिस्थिति में फंसे हैं।
एक और अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा तो कृष्ण कब के भूल गए, बोले मैं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा कभी भी, मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन एक और पितामह भीष्म भी कृष्ण के भगत हैं और एक और पांडव भी कृष्ण के भक्त हैं और दोनों भक्त के बीच में भगवान पीस गए। एक भक्त ने महाभागवत, भगवान के परम भक्त पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं उस भक्त पांडव को मार डालूंगा। अब किसकी प्रतिज्ञा रखे, किसको मारे, किसको बचाए, बहुत बड़े असमंजस में फंस गए। रात भर सोचते रहे, सुबह द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी बहन जगो। द्रौपदी जगी, बोले भैया सुबह सुबह, बोले हाँ जगो मेरे साथ चलना है, बोले कहाँ चलो मेरे साथ। द्रौपदी को साथ में लेकर बोले भैया कहाँ जा रहे हैं हम, बोले वो कोई जानने की जरूरत नहीं, तुम चलो मेरे साथ। कृष्ण द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म की शिविर के पास पहुंच गए और द्रौपदी को कहा देखो ये पितामह भीष्म की शिविर है, तुम्हें वहां पर जाना है और उसको प्रणाम करके वापस आ जाना है। बोले बस भैया इतना ही करना था तो दोपहर को भेज दिया होता है, सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर दी मेरी। बोले द्रौपदी तुम समझोगी नहीं, ये मेरा प्लान है, तुम जाओ। द्रौपदी जाने लगी, बोले एक काम करो अपना घूंघट खींच कर जाओ। द्रौपदी जाने लगी तो चप्पल की आवाज आ रही थी, द्रौपदी चप्पल उतारो चलो। चप्पल उतार कर द्रौपदी को भेजा, बोले जाकर कुछ नहीं करना है, पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं, प्रणाम करना है और वापस आ जाना है। उस समय पितामह भीष्म भगवान का ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद थी। द्रौपदी शिविर में अंदर आई, बैठकर प्रणाम किया। पितामह भीष्म को लगा मैंने रात को कहा था इसलिए दुर्योधन की पत्नी आई होगी। आंखें बंद हैं, द्रौपदी प्रणाम कर रही हैं और पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। बेटा तुम्हारा सुहाग अखंड रहे, तुम्हारे पतियों की कभी मृत्यु न हो। और आंख खोलकर देखा तो द्रौपदी बैठी थी। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी होगी, देखा तो द्रौपदी। तुरंत समझ गए कि ये कृष्ण की ही करतूत हो सकती है। शिविर में से बाहर निकल कर देखा तो कृष्ण द्रौपदी के चप्पल बगल में लेकर खड़े थे। बोले पितामह बोलिए अब, कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली पांडवों में से किसी को मारूंगा और आज सुबह आपने वरदान दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव का, अब पितामह किस प्रतिज्ञा को रखोगे और किस प्रतिज्ञा को तोड़ोगे। तब पितामह भीष्म ने तीसरी प्रतिज्ञा ले ली, केशव मेरी प्रतिज्ञा तो टूटते टूटेगी लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के युद्ध में कृष्ण मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तुड़वा दूंगा। आज के दिन के युद्ध में यदि मैं तुम्हारे हाथों से शस्त्र धारण न करवाऊं तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं। सुरदास जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा इसके ऊपर, आज मैं हरि ही अस्त्र न गवाऊं। तो इस प्रकार पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, और एक प्रतिज्ञा के ऊपर और एक प्रतिज्ञा। और उसी दिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने पितामह भीष्म का सामना हुआ और पूरी पूर्ण स्फूर्ति से पितामह भीष्म युद्ध करने लगे। महाभारत में वर्णन है पितामह भीष्म आज इतनी स्फूर्ति से युद्ध कर रहे थे, अपने तरकस से बाण निकाल कर ऐसे इतना तेज गति से मार रहे थे कि पितामह भीष्म के हाथ का अलात चक्र तैयार हो गया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को आज तक पसीना नहीं आया था लेकिन आज पितामह भीष्म के सामने युद्ध करते हुए अर्जुन को पसीना छूटने लगा। अर्जुन सोचने लगा कौन सा बाण निकालू कौन सा नहीं, और पितामह भीष्म एक के बाद बाणों की बौछार कर रहे हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये पितामह मेरे भक्त अर्जुन को मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में सोच लिया कि मुझे पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है और साथ ही साथ मेरे भक्त अर्जुन की रक्षा करनी है, और ये दोनों की रक्षा करने के लिए मैं मेरी प्रतिज्ञा को अब तोड़ने जा रहा हूं। पितामह भीष्म अनेकों बाणों से अर्जुन के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उसी समय एक घड़ी ऐसी आई अर्जुन को पसीना अर्जुन के हाथ से गांडीव छटक गया
और उस समय कृष्ण ने देख लिया अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो अर्जुन मरेगा, उसी समय जैसे सिंह हाथी को फाड़ने के लिए अपनी गुफा से कूद पड़ता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से कूद पड़े और कूद कर वहां पर एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था, कृष्ण ने अपने हाथ में वह रथ का पहिया उठा लिया और उस रथ के पहिए को उठाकर पितामह भीष्म के ऊपर वार करने गए। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, नहीं केशव, नहीं कृष्ण, आप शस्त्र हाथ में मत उठाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन आज भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पूर्ण आतुर बन गए और भगवान श्री कृष्ण हाथ में चक्र लेकर वो पहिया लेकर पितामह भीष्म के ऊपर टूट पड़े और उस समय पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनेकों बाणों की बौछार लगा दी। एक एक बाण पितामह भीष्म के कृष्ण के शरीर के ऊपर लगने लगे और पितामह भीष्म के बाण से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सोने का कवच टूट कर गिर पड़ा। कृष्ण के शरीर से खून की धारा निकलने लगी और उस समय फिर भी स्वयं खून की धारा निकली हुई है, कवच टूटा हुआ है, फिर भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कृष्ण आगे बढ़े। अर्जुन रोक रहे हैं और जब कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उस समय पितामह भीष्म ने अपने दोनों अस्त्र शस्त्र रख दिए, दोनों हाथ खुला रखकर कृष्ण का आगमन किया। बस कृष्ण में यही दिन देखना चाहता था, कब आप अपने हाथ में शस्त्र धारण करोगे और मुझ पर चलाओगे। स्वनिगमपहायमपतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ यह दिव्य दृश्य, यह दिव्य घड़ी आज पितामह भीष्म को अपने जीवन के अंतिम समय में याद आ रही है। स्वनिगम प्रतिज्ञा मृतम अधिकार तुम प्लुतो रथस्थ गाइए। घृतरथ चरणो व्यया चलद्गु हरिरिवहन्तु भीमं गतो तरीय पितामह भीष्म याद करा रहे हैं कि जिस समय हाथ में रथ का पहिया लेकर कृष्ण मेरी ओर दौड़ रहे थे उस समय पृथ्वी कांपने लगी, ये धरणी डोलने लगी और उस समय भगवान श्री कृष्ण को अपने देह की सुध बुध नहीं रही, कवच टूट गया। पितामह भीष्म कहते हैं उस समय कृष्ण के शरीर पे रहा हुआ पीताम्बर सरक गया, कृष्ण को अपने देह गई की कोई सुधबुद न रही और आचार्यों ने मंतव्य दे दिया, पृथ्वी कांपने लगी कि आज भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, भक्त और भगवान के बीच में जीत किसकी होगी, क्या होगा मेरे प्रभु का, क्या होगा मेरे भक्त का। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर के ऊपर से पीताम्बर को सरका दिया, पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासन दिया, पृथ्वी संभल कर रहो, चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी होगा शुभ होगा। पितामह भीष्म कहते हैं जब कृष्ण मेरी ओर आ रहे थे तब मैं कितना बड़ा दुष्ट, कैसा आतताई था, कैसे परम ईश्वर परमेश्वर भगवान के ऊपर मैं बाण चलाने लगा। शीत विशिखा तो विषेण दंश शत परिलुप्त आतता इनो में, तो
प्रसभम अभिससारम अद्वदार्थ सभवतु मे भगवान गति मुकुंद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ दिया, जिन्होंने अपने देह गेह के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसे अपने भक्त को संसार के समस्त दुखों से मुक्त कराने वाले मुकुंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे मुकुंद आज मुझे मुक्ति प्रदान कर दे ऐसा आशीर्वाद मांगता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो इस प्रकार पितामह भीष्म भक्तों, वैसे तो स्तुति की व्याख्या है बहुत लंबी लंबी है, हम तो एक दिन में सब करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अद्भुत पितामह भीष्म जो वीर रस के आस्वादक थे, कृष्ण को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए इस भूमंडल पर प्रकट हुए थे। अब पितामह भीष्म अपनी स्तुति के अगले श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, आप अपने भक्त अर्जुन की रक्षा अद्भुत ढंग से करते हो। कैसे करते हो प्रभु, क्या बताऊं, आपके लिए तो अर्जुन का रथ ही कुटुंब के समान है, आप तो अर्जुन के रथ को ही अपना कुटुंब मानते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं ना, वो गाड़ी में ही सोते हैं, गाड़ी में ही रहते हैं, गाड़ी में ही खाते हैं, अब देखोगे तो गाड़ी को ही साफ सफाई करते होगे, गाड़ी को ही चलाते हैं, वो गाड़ी ही उनका कुटुंब होता है। पितामह भीष्म कहते हैं अर्जुन का रथ ही आपके लिए कुटुंब के समान था। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे घृत हय रश्मिनी तच्छिये क्षणीये। भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्ष गताहता स्वरूपम्। हे कृष्ण, अर्जुन का विजय का रथ ही आपके लिए कुटुंब के समान था। भक्तों, इस संसार में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कुटुंब का पालन करता है, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए यदि पाप भी करना पड़े तो वह कर देता है। पत्नी और बच्चे का पोषण करने के लिए बिजनेस में झूठ बोलना पड़े तो व्यक्ति सोचता नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पाप करना पड़े तो वह पाप करने में रुकता नहीं है, क्यों? क्योंकि कुटुंब का भरण पोषण करना है। तो अर्जुन का रथ कृष्ण के लिए कुटुंब के समान था और अर्जुन के रथ को, अर्जुन को बचाने के लिए कभी कभी भगवान श्री कृष्ण चीटिंग भी करते थे। महाभारत में वर्णन नहीं, पितामह भीष्म रहस्य की बात खोल रहे हैं, क्योंकि सारथी को रथ चलाने के लिए युद्ध के पहले ही नियम नक्की किए गए थे कि रथ को सीधा चलाना है, रॉन्ग साइड में लेकर नहीं जाना है, और रथ को चलाते हुए सारथी को मात्र रथ चलाना, और कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत नियम थे उस युद्ध के, धर्म युद्ध था ना। परंतु अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने नीति नियम सब तोड़ दिया। जैसे कोई गाड़ी का अच्छा ड्राइवर होता है और मालिक को यदि ऑफिस में जाने में लेट होता है तो अच्छा ड्राइवर कभी कभी रॉन्ग साइड में गाड़ी चला देता है, यदि पकड़ा गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को ले लेता है, जेल में ड्राइवर को बंद होना पड़ता है, लेकिन रिस्क लेकर भी अपने मालिक को जल्दी पहुंचा देता है। कृष्ण रिस्क लेकर भी, अनीति करके भी अर्जुन की रक्षा किए। पितामह भीष्म कहते, ये मैं जानता हूं,
आइए एक दो प्रसंग कह दूं किस प्रकार से कृष्ण अनीति किए। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में भूरिश्रवा नाम का एक योद्धा था और इस योद्धा के पास एक ऐसी गदा थी, चमत्कारी गदा। बहुत पहले इस भूरिश्रवा योद्धा ने शिव जी की उपासना की, शिव जी प्रकट हुए, अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव जी ने नहीं दिया। शिव जी ने कहा यह तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह गदा देता हूं और ये ऐसी गदा है तुम जिसका निशाना लेकर यह गदा छोड़ोगे, जिसका निशाना तुमने लिया है उस व्यक्ति को मारकर ही वापस आएगी। ये शिव जी की वरदान दी हुई गदा थी। युद्ध नहीं करना है, जिनको मारना है उसका निशान ले लेना है और छोड़ देना है, मारकर वापस आएगी। जब महाभारत के युद्ध में कोई नहीं मरता था, दुर्योधन को याद आया, भूरिश्रवा के पास गया दुर्योधन। बोले भूरिश्रवा यार तेरे पास तो ये गदा है, मार दे अर्जुन को। भूरिश्रवा ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं मार दूंगा। दूसरे दिन अर्जुन के सामने भूरिश्रवा का रथ, और कृष्ण जानते थे कि इसके पास ये गदा है। ये निशाना लेता था, कृष्ण अपने रथ को चलाते थे, वो निशाना लेकर जैसे ही मारने जाता था कृष्ण अपने रथ को रॉन्ग साइड में लेकर चले जाते थे, निशाना चूक जाता था। फिर से कृष्ण भूरिश्रवा के सामने रथ चलाते थे, चलाते चलाते वो बिल्कुल निशाना लेता था, और निशाना लेकर आधे घंटे तक निशाना लेता था, और निशाना लेकर जैसे ही छोड़ने जाता था कृष्ण अपने रथ को थोड़ा नीचे कर देते थे। हालांकि सारथी को ऐसा करना मना था, नियम था सीधा ही रथ को चलाना, तो ये निशाना चूक जाता था। तो कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर नीचे भूरिश्रवा ने बहुत निशाना लिया, पूरा दिन बीत गया। और निशाना जैसे ही लेता था कृष्ण अपने रथ को घुमा देते थे, और इस प्रकार से करते करते भूरिश्रवा को क्रोध आ गया। गीता में लिखा है क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम साध बुद्धि नाशो। जिसको क्रोध आ जाता है ना वो भूल जाता है मैं क्या हूं कौन हूं। कृष्ण ने रॉन्ग साइड में रथ को चलाकर भूरिश्रवा को क्रोध दिलाया, और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भूरिश्रवा ने वह गदा अर्जुन के ऊपर चलाने के बदले कृष्ण के ऊपर चला दी। भक्तों जब शिवजी ने यह गदा भूरिश्रवा को दी थी तब शिवजी ने कहा था देखो भूरिश्रवा तुम जिसका निशाना लेकर गदा छोड़ोगे उसे मारकर ही वापस आएगी, लेकिन ये गदा उसी के ऊपर चलाना जिसने युद्ध में भाग लिया है, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो उन्हीं के ऊपर गदा चलाना। निहत्थे के ऊपर यदि इस गदा को चलाओगे तो इस गदा से तुम्हारा वध हो जाएगा। तो कृष्ण ने ऐसे रथ चलाया, भूरिश्रवा को क्रोध आया, और भूरिश्रवा ने अर्जुन का तो निशाना नहीं ले पाया, कृष्ण के ऊपर गदा छोड़ दिया। और कृष्ण के हाथ में अस्त्र शस्त्र था नहीं, कृष्ण को वह गदा लगी, रिबाउंस होकर भूरिश्रवा के ऊपर आई और खुद मर गया। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं विजय सखे कुटुंब आत तोत्रे। ये विजय अर्जुन का रथ कृष्ण आपके लिए कुटुंब के समान है। तो इस प्रकार कृष्ण अनेकों बार अनिति करते थे, और एक बार की बात है कर्ण के जीवन में अनेकों दुर्घटना आई, फिर भी कर्ण बहुत शक्तिशाली था। दुर्योधन ने कहा कर्ण आज तो तुम अर्जुन को मार ही देना। कर्ण के पास एक दिव्य बाण था और वह अमोघ बाण जिसके ऊपर छोड़ा जाए उसको मारकर ही वापस आने वाला। कर्ण के सामने अर्जुन का सामना हुआ, दोनों योद्धाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ, अनेकों बाण कर्ण ने छोड़े, और उस समय कर्ण ने अमोघ बाण, भगवान कृष्ण समझ गए, अमोघ बाण कर्ण ने अपने धनुष पर चढ़ाया और प्रदंचा को कान तक खींच लिया,
और अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने वह बाण छोड़ा। कृष्ण समझ गए ये बाण अर्जुन के धड़ से मस्तक को अलग कर देगा, लेकिन उसी समय कर्ण के बाण को छोड़ा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुष्टिका बनाई और अति वेग से अपनी मुष्टिका का प्रहार चारों घोड़ों के ऊपर कर दिया। घोड़ा घुटना टेक दिए, रथ डेढ़ फुट नीचे हो गया और वह बाण अर्जुन के मस्तक को लिए बिना अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़कर चला गया। ये है कृष्ण की लीला। हालांकि सारथी को यह करना नहीं था, यह मना था कि इस प्रकार घोड़ों को मारना, नीचे बिठाना, लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं, भगवान भक्त वत्सल है। तो इस प्रकार कृष्ण की अनेक लीला का स्मरण पितामह भीष्म को हो रहा है और फिर अंत में पितामह भीष्म को भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की लीला का स्मरण हो रहा है। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षिण कल्पितो रुमाना मनुकृतवत्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगङ्किलयस्य गो अवद्वा पितामह भीष्म कहते हैं ब्रज वृंदावन गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अपनी लीला से सबको मोह लिया। ललित गति, कृष्ण का चलना भी अत्यंत सुंदर, कृष्ण का देखना सुंदर। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखा ना कि इस मधुराधिपति का तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम चरी तम मधुरम, समय नहीं है क्षमा कीजिए, लेकिन कृष्ण का सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है। उनके नेत्र मधुर, उनका देखना मधुर, उनका चलना मधुर, उनका खाना मधुर, उनके उनका सखा सखे मधुर, सब कुछ मधुर। तो कहते हैं ललित गति, कृष्ण की चलती हुई गति को देखकर, उनके कृपा कटाक्ष को देखकर गोपियों का हृदय विदीर्ण हो जाता था। कृष्ण की लीला इतनी मधुर होती थी, कभी कभी गाय बछड़े को चलाने के लिए वन में जाते और चराते चराते किसी गली में किसी गोपी को देख लेते तो बछड़ा तो बेचारा सीधा ही चलने वाला था, लेकिन कृष्ण कहते ये बछड़ा बहुत बिगड़ गया है, ये बहुत बिगड़ गया है, बिगड़ गया है, बिगड़ गया है, ये रास्ता छोड़कर गली में चला जाता है। वो तो बेचारा सीधा ही चलने वाला था, लेकिन बछड़े को ऐसे मार मार के गली में लेके चले जाते थे। ये बछड़ा बहुत बिगड़ गया है, ऐसे करके गली में चले जाते और गोपियों को देख कर आ जाते। तो कृष्ण की यह कटाक्ष देखकर गोपिया कृष्ण के ऊपर लुभित हो जाती थी। पितामह भीष्म कहते हैं जिस कृष्ण ने अपनी लीला से ब्रज गोकुल में रहने वाले सबको मोहित कर लिया और कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम, कृष्ण जब थे तब नहीं, कृष्ण जब ब्रज में नहीं रहे तब पता चला। भक्तों, कौन व्यक्ति कितना महान जब उसकी अनुपस्थिति होती है तब पता चलता है। कितना प्रेम किया होगा गोपियों ने। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर चले गए और जाकर मथुरा में रहने लगे, गोकुल में सब लोग दुखी हैं। उस समय कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा, उद्धव तुम जाओ और ब्रज में रहने वाले सब लोग मेरे प्रेम में पागल हैं, सबको सांत्वना देकर आओ। भक्तों, सर्वप्रथम उद्धव जी ब्रज गोकुल वृंदावन में आते हैं, गोपियों को मिलते हैं। हे गोपियों, तुम इस प्रकार से रो क्यों रही हो? सारी गोपियां उद्धव जी के चरणों में गिर गई। बोले, तुम रो क्यों रही हो? बोले, कृष्ण के विरह में
उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की बात कर दी। बोले गोपियों, जिस कृष्ण के विरह में रो रहे हो वह कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में बैठा है। परमात्मा के रूप में तुम अपना मन परमात्मा में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ। तब गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आपका यह ज्ञान हमारे दिमाग में टिकने वाला नहीं। कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीपे ब्रज में तिहारी कला नै को ही खटे नहीं। अब ये ज्ञान की बोरी को फेंक दीजिए। सुरदास जी लिखते हैं, उद्धव जी मन न भये दस बीस। आप कहते हो कि हमारा मन ब्रह्म में लगाए, परमात्मा में लगाए, परंतु उद्धव जी हम लाचार हैं। भगवान ने हमको एक ही मन दिया है और वह मन हम कृष्ण को दे चुकी हैं। अब दूसरा मन कहां से लाए? उद्धव उद्धव हमें कृष्ण की बहुत याद आ रही है। उद्धव कैसे भी करके कृष्ण को हमसे मिला दीजिए। वो तो कहकर गए थे कि कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे, परंतु फिर भी वो वापस नहीं आए। कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति वैसे ही हो चुकी थी जैसे पानी के बिना मछली की स्थिति हो जाती है। भक्तों, जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, मगर भी जल में रहता है, कछुआ भी जल में रहता है, परंतु जल के साथ वास्तविक प्रेम मछली का होता है। क्योंकि मगर बिना जल के रह सकता है, कछुआ बिना जल के रह सकता है, परंतु मछली जैसे बिना जल के नहीं रह सकती, वैसे गोपियां बिना कृष्ण के नहीं रह सकती। कृष्ण की लीला को याद कर करके गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी ने कहा, मुझे नंद बाबा और यशोदा से मिलना है। कहां रहते हैं नंद और यशोदा? गोपियां कहते हैं, उद्धव उद्धव नंद और यशोदा के घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तुम नदी देख रहे हो ना, ये नाला देख रहे हो ना उद्धव, उद्धव उस नाले के किनारे चलते 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 चले जाओ। जिस घर से ये नाला निकलता है वह घर नंद और यशोदा का है। क्योंकि उद्धव ये नाला कोई साधारण पानी का नहीं है। जिस दिन से कृष्ण गोकुल को छोड़कर गए हैं, उस दिन से नंद और यशोदा इतने रो रहे हैं, उनके आंसू ही यह नाला बनकर बह रहा है। उद्धव जा रहे हैं उस नाला के किनारे, होते 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 नंद बाबा के घर पर पहुंचते हैं। उद्धव जी का स्वागत करते हैं नंद यशोदा, उद्धव जी के चरणों में बैठ जाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव कृष्ण को हमारी याद आती है? यशोदा कहती है, उद्धव कृष्ण तो हमको छोड़कर चला गया। उद्धव मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कृष्ण को बहुत डांटा था। उद्धव कभी कभी तो मैं कृष्ण को बांध देती थी और इसीलिए कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया। उद्धव मैं वादा करती हूं, कसम खाती हूं, आज के बाद कृष्ण को कभी डांटूंगी नहीं, उसे मारूंगी नहीं, उसे बांधूंगी नहीं, परंतु एक बार कृष्ण यहां पर आ जाए। उद्धव कृष्ण जब रात को जग जाते हैं तब उसे कहानी कौन सुनाता होगा? जब यहां गोकुल में रहता था, अचानक रात को जग जाता था। जब कृष्ण मथुरा में रह रहा है, रात को जग जाता है, उसे कौन कहानी सुनाता है? और उद्धव कृष्ण को हम पर दया न आए तो कोई बात नहीं, नंद और यशोदा उद्धव के एक एक हाथ को पकड़कर गौशाला में लेकर जाते हैं। कृष्ण को कहना कि चाहे हमारे ऊपर दया न करे, लेकिन उनका नाम गोपाल है, वो गाय का पालन करने वाला है। उद्धव हमारी बात तो दूर रही, लेकिन जिस दिन कृष्ण इस ब्रज को छोड़कर गया है उस दिन से इस गाय और बछड़े ने कुछ खाया नहीं है। उद्धव कुछ खाया नहीं। इन पशुओं के ऊपर तो तरस खाओ उद्धव। अनेकों शब्द से नंद और यशोदा अपने प्रेम को प्रस्तुत करते हैं।
उद्धव जी ने देख लिया ब्रजवासियों का प्रेम, कृष्ण के विरह में कैसी स्थिति है। और भक्तों उस समय उद्धव जी जब कृष्ण के पास जाते हैं ना, तब कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण में वापस नहीं आने वाला था, ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर तो मैं वहीं पर रुक जाने वाला था, परंतु क्या करूं, आपको समाचार देने के लिए मुझे आना पड़ा। कृष्ण आपके बिना ब्रजवासी जीवित नहीं रह पाएंगे। भक्तों पितामह भीष्म इस घड़ी को याद कर रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने अपनी लीला से ब्रजवासियों को मोहित कर लिया। कृष्ण की लीला कितनी सुंदर है। भक्तों जिस प्रकार कृष्ण की लीला मधुर है, उसी प्रकार कृष्ण की कथा भी मधुर है। कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। जो आनंद नंद बाबा को मिला, जो आनंद यशोदा को मिला, जो आनंद गोप सखा और गोपियों को मिला, वही आनंद आज भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इस भागवत कथा के माध्यम से। अतः पितामह भीष्म की यह स्तुति दिव्य है। इन स्तुति को पढ़कर, भागवत को सुनकर आज भी भगवान की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। बस जीवन में भगवान से कामना करें तो यही करें, कृष्ण और कुछ मिले या न मिले, आपकी कथा हमें अवश्य मिले। भक्तों आप देखिए 9 दिन कैसे बीत गए हैं, 9 मिनट बीत गई हो ऐसा लगता है। अभी भी हमें याद है, हम आए थे, हमने शुरू किया, 9 दिन बीत गए। भक्तों जीवन में दुख की घड़ी जो होती है वो जल्दी नहीं बीतती है, लेकिन दुर्भाग्य है सुख की जो घड़ी होती है बहुत जल्द बीत जाती है। 9 दिन तक इतना सुख, इतना आनंद हम सबको प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत और पितामह भीष्म की स्तुति के द्वारा। अब आगे चलकर पितामह भीष्म स्तुति करते, जिनके चरणों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, हे भगवान आज मेरे सामने आए हैं। और जैसे एक सूर्य अनेकों थालियों में पानी रखने पर दिखता है, वैसे कृष्ण आप एक ही ईश्वर हो और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में दिखते हो। इस प्रकार प्रार्थना स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने अपनी वाणी को रोक लिया, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय, अपना चित्त सब कुछ भगवान में लगा दिया। और उस समय पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण को त्याग दिया। सब लोगों के देखते देखते पितामह भीष्म के अंदर से एक ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गई। और उस समय संध्या होने पर जब समस्त पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, एक सन्नाटा छा जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। दिव्य उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने अपने शरीर को त्यागा। समस्त भक्तों ने, समस्त ऋषि मुनियों ने अंत्येष्टि क्रिया करते हुए बहुत सुंदर कीर्तन किया। सब लोग नाचते हुए गाते हुए पितामह भीष्म को विदाई किए। और तत्पश्चात उपदेश सुनकर युधिष्ठिर महाराज का शोक तो दूर हो ही गया, साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा हो गए। भगवान के भक्त पांडवगण प्रसन्न हो गए। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। यहाँ पर हमारी कथा विराम समाप्त हुई। कथा के अंत में आप सब भक्तों के लिए इतना ही उपदेश, 9 दिन तक बहुत कुछ सिद्धांत, बहुत उपदेश,
बहुत कथा बहुत बातें आप सब लोगों ने सुनी, कुछ याद रहा कुछ भूल गए, परंतु भक्तों हम कहीं भी जाएं कहीं भी रहे, चाहे देश बदल जाए चाहे स्थान बदल जाए या हमारा समय बदल जाए, परंतु हमारा कार्य कभी भी नहीं बदलना चाहिए। हमारे जीवन का सर्वोच्च कार्य भगवत कथा का श्रवण करना और भगवान के नाम का जाप करना। आपने सुना चार नियम का पालन करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग प्रयास करते हैं फिर भी नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि भगवान के इस महामंत्र को जपते रहोगे एक ना एक दिन हृदय की समस्त दुर्वासनाओं से कलमश से मुक्त हो जाओगे। जाते जाते आप समस्त भक्तों के चरणों में यही प्रार्थना है, अब हम सूरत में दोबारा आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि काल कुछ विपरीत है। अतः आपसे यही निवेदन है कि हमसे भी बड़े बड़े भक्त हैं, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, आप उनके मुखारविंद से कथा लगातार सुनते रहिए, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बच्चे कल के भविष्य हैं, और बच्चों का ध्यान रखने के लिए स्वयं भक्ति करें, उनको संस्कार दें, गलत संगतियों से मुक्त होकर अच्छी संगति प्राप्त करें, क्योंकि अच्छी संगति ही जीवन के अच्छे मार्ग पर हमें ले जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। और अंत में इन 9 दिनों में हमने बहुत कुछ बोला बहुत कुछ कहा, कभी कभी हमारे मुख से कठोर शब्द निकल जाते हैं, यदि हमसे कुछ कठोर शब्द निकल गए हो, कथा में कुछ कमी रह गई हो, व्याख्या में कुछ गलती हो गई हो, तो आप अपना पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर, दास समझकर हमें क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान से कृष्ण से प्रेम कर सकें। मैं अंत में हमारे प्रिय मित्र श्याम सुंदर प्रभु और उनके पिताजी ओम प्रकाश तनेजा जी, इन दोनों को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। अनेकों मुश्किली का सामना करके अनेकों प्रयास से श्याम सुंदर प्रभु ने इस कथा का आयोजन करवाया। आज जहाँ कोई व्यक्ति दूसरों के लिए 2 रुपया भी खर्च नहीं करता है, उन्होंने अपने तन मन धन से इतनी छोटी सी उम्र में इतना दिव्य भगीरथ कार्य करके दिखाया, जिन्होंने बहुत सुंदर शुद्ध भाव से भक्तों को बुलाया, भक्तों की सेवा की, भक्तों को प्रसाद खिलाया, ऐसे श्याम सुंदर प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका इसी प्रकार भागवत से प्रेम बना रहे और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। और विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे पुत्र को जन्म देने वाले उनके माता पिता को, क्योंकि माता पिता के संस्कार ही पुत्र में उतरते हैं। विशेष धन्यवाद श्याम सुंदर प्रभु की माता जी और उनके पिता ओम प्रकाश जी। जितना भाव जितना प्रेम श्याम सुंदर प्रभु में है, उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा हमने उनके पिताजी में देखा है। बहुत सरल हृदय सरल स्वभाव, जिनको देखकर झुकने का मन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने झुकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। ओम प्रकाश जी को
जिन्होंने इतना सुंदर मौका दिया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण कथा का कोई एक शब्द भी सुना दे या सुनने का अवसर दे दे तो हमें जीवन भर तक उनकी सेवा करनी चाहिए। जिन्होंने 9 दिन तक इतनी सुंदर भागवत कथा बोलने का अवसर दिया। वैसे तो हम आलसी हैं, निठल्ले हैं, परंतु 9 दिन तक हमारा मन भागवत में लगा रहा, हमारी वाणी भागवत में लगी। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी का। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको और इसके परिवार को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। और यदि आप लोग हमारे इस कार्य से प्रसन्न हो तो हम आपके पास और कुछ नहीं मांगते हैं। यदि आप इस कार्य से प्रसन्न हो तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण से प्रेम कर सकें। हरे कृष्ण। क्योंकि उनकी कृपा से आज यहाँ ऐसा माहौल बना है कि हम इस घोर कलयुग में भी कुरुक्षेत्र में भी जा पाए, युद्ध को भी देख सके, गोकुल जाकर भगवान और उनकी माँ का और उनके पिता का प्रेम भी देख सके। तो अगर आज ओम प्रकाश जी और अगर श्याम सुंदर प्रभु ने ये व्यवस्था ना की होती तो हम ये शुद्ध कथा कभी ना सुन पाते। और जिस प्रकार आप अभी देख सकते हो भक्तों के बीच का प्रेम, इसका अनुभव जो भक्त लोग नहीं हैं वो कभी नहीं कर पाते। तो यही है इस जीवन का अमृत जो कभी नहीं सूखता है और कभी नहीं मरता है। तो वापस हम लोग एक बार श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु, श्रीमान ओम प्रकाश तनेजा और उनके समस्त परिवार का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जिन्होंने अपना इतना कीमती समय मात्र अपने मित्र का हृदय रखने के लिए दे दिया है वो हम देख सकते हैं। क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु उनके परम मित्र हैं और वो इतने जिद्दी हो हम सब लोग जानते हैं। तो उनके प्रेम के वश वो उनके पास हालांकि टाइम नहीं था, वो तो हांगकांग में थे, वहाँ पे उनकी कथा चल रही थी, वहाँ से वो लोग उनको यहाँ नहीं आने दे रहे थे, लेकिन इनके प्रयास करने पर आज हम लाल गोविंद प्रभु को यहाँ सुन पाए हैं। और लाल गोविंद प्रभु के हट की वजह से कि नहीं मैं श्याम सुंदर मुझे बुला रहे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो इस दोनों के प्रेम की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग श्रीमान लाल गोविंद प्रभु का भी आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे ही वो भक्त वत्सल बने रहे। आज श्याम सुंदर प्रभु है तो कल कोई और होगा, इसी प्रकार हमारे ऊपर ऐसे प्रेम की वर्षा बरसाते रहे, भागवतम का हमको रसास्वादन कराते रहे। तो एक बार हम लोग, वैसे तो महामंत्र से सभी चीज़ पूर्ण हो जाती है लेकिन फिर भी हम इनका आभार कभी नहीं व्यक्त कर पाएंगे, इनका ऋण जो है वो कभी नहीं चुका पाएंगे। आइए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा इनका आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अनुरोध करता हूँ शिव प्रसाद डंग से और जो चंद्र प्रभु है वो यहाँ पे आए, उनके पत्नी भी अगर शायद यहाँ उपस्थित है तो आए, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। श्रीमान चंद्र प्रभु उनके धर्म पत्नी अगर यहाँ उपस्थित है तो कृपा करके आए। यहाँ जो फूल की सेवा की है वो रमेश प्रभु अवधूत ने की है, श्रीमान लाल गोविंद प्रभु उनको भगवान की छवि देना चाहते हैं, तो रमेश भाई अवधूत कृपा करके जल्दी यहाँ पे उपस्थित हो जाए। कनु भाई
जिसको हम डेरी वाले कनु भाई नाम से जानते हैं, वो कृपा करके अगर यहाँ उपस्थित है तो समस्त परिवार के साथ यहाँ पे आए श्रीमद् लाल गोविंद प्रभु उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कनु भाई समग्र परिवार के साथ यहाँ पे आए, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो कृपा करके आज फॉर्म यहाँ पे दे दे, क्योंकि अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है तो हम उनका संपर्क कर सकेंगे, इसी प्रकार से हम लोग प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में जुट सकते हैं। तो जिसके पास फॉर्म्स है, जिन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं, वो कृपा करके अपने फॉर्म दे दे। यहाँ पे जिन्होंने इलेक्ट्रिक का काम किया है उनका नाम है तरुण कुमार चुंग, वो भी अगर यहाँ पे उपस्थित है तो कृपा करके आए। श्रीमान तरुण कुमार चुंग जिन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिक कार्य करने में हमको काफी सहायता दी है। श्रीमान ओम प्रकाश जी लाल गोविंद प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ ही शब्दों में वो कुछ बोलना चाहेंगे। भगवान समुद्र के सामने बूंद क्या करेगी भैया, हमारे पास तो भैया स्वागत कर रहे कुछ भी नहीं है भैया, हम अपनी जान भी इनके ऊपर निछावर कर दे तब भी कुछ नहीं है भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजय नंदवानी जी अगर यहाँ उपस्थित है तो कृपा करके स्टेज पर आए। शिव कुमार श्रीमान शिव कुमार अग्रवाल भी कुछ कथा के लिए अनुमोदन करना चाहते हैं, हम इनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया स्टेज पर आए और इस कथा के विषय में कुछ शब्द श्रोताओं को कहे। और हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा जिस भक्ति जिस प्रेम से आपने इस कथा में सहयोग दिया है, हम चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के हर अध्यायों की इस प्रकार से कथा हो, भक्त लोग प्रयास करेंगे तो हम चाहते हैं कि आप इसी प्रेम इसी श्रद्धा इसी भक्ति से हमारे कार्यक्रमों में आते रहे, हमको सहकार देते रहे, धन्यवाद। श्रीमान शिव कुमार अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं। श्री लाल गोविंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। मैं आज तक कभी किसी स्टेज पे खड़े होके भूला नहीं हूँ, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना। मैंने आज तक ऐसी भागवत कथा विस्तार से मेरे जीवन में कभी नहीं सुनी, और जितना आप ने यह भागवत कथा हमारे दिल में उतारने की कोशिश और जो शैली का जादू आपकी कथा में मैंने अनुभव किया, मैं आपको अपने भाव लिख नहीं सकता हूँ। जैसे देसी गाय का घी हर रोज़ पेट भरकर हमको मुफ्त में पिलाकर घर भेजते थे, लेकिन तड़फन ऐसी रही कि कब शाम हो और कब 8:30 बजे और गाय का घी भागवत रूप में हमें आपके मुख से सुने और बार बार हमारा पेट भर जाए, ऐसी तड़फन प्रभु लाल गोविंद प्रभु से हमें मिली। और यह ज्ञान नाम के घी में तलकर भक्ति नाम के शहद में डुबोकर हमें हर रोज़ पेट भरकर मिठाई खिला के मुफ्त में घर भेजते थे, मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। और इस्कॉन का भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इतनी सरल भाषा में सबको जीवन शैली जीने की एक कला सिखा रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ, धन्यवाद। श्रीमान भरत भाई तनेजा और ललित तनेजा कृपा करके स्टेज पर आए, जो श्याम सुंदर प्रभु के भाई है। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु उनको भगवान की छवि देना चाहते हैं। और आज का जो प्रसाद है वो चंद्र प्रकाश डंग की तरफ से है, आप लोग सभी लोग ध्यान रखिए। हाँ, कनु भाई पटेल जो अगर यहाँ पे है तो स्टेज पर आए। कनु भाई पटेल श्रीमान कनु भाई पटेल स्टेज पर आए। हरे कृष्णा, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस्कॉन के सन्यासी महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, ये लोग आज इस्कॉन को श्रीमान कनु भाई पटेल यहाँ पे उपस्थित है।
श्रीमान लाल गोविंद प्रभु उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य जो है, जो श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है, उनमें से एक श्रीमान हिज होलीनेस इंद्रदुम्न महाराज जो विदेशी है, लेकिन पूरे विश्व में वो ड्रामा और बड़े बड़े नर्तन नाट्य करके अपनी भारतीय संस्कृति को विदेश में दिखाते हैं। तो वही श्रीमान हिज होलीनेस इंद्रदुम्न महाराज सूरत में आ रहे हैं इंडिया में। तो उनका 5 दिन का प्रोग्राम है हमारे गुजरात में, तारीख 31 जनवरी और 1 फरवरी को इंडोर स्टेडियम जो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ही है गोड़दो रोड पे, वहां पे उनका बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जो विदेशी भक्त लोग आकर यहाँ पे ड्रामा और ये सब करने वाले हैं। 2 तारीख को नवसारी में ये प्रोग्राम है और 3 से 5 लेकर योगी चौक वराछा में ये प्रोग्राम रहेंगे। जैसे श्रीमान लाल गोविंद प्रभु ने कहा कि मंगल समय में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबको प्रेम देते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, कल वैसे भी संडे है, छुट्टी रहती है, और सुबह इस्कॉन में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। अगर प्रभु जी ने कहा कि ये प्रेम की रीत नहीं है, अगर भगवान सोते रहे जागेंगे और हम सोते रहेंगे, तो सभी लोग धर्म भक्ति विज्ञान खान की ओ महापुराण भागवत निरमल सुख सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की हो कली मल मथनी त्रिताप निवारिणी हो जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी।